हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहे हैं दिन के एक, और मैं एक बार फिर से निकल पड़ा हूँ सफ़र में। और मेरे साथ आज मौजूद हैं ये क्यूट से बच्चे जो कि अजहर साहब के, और आप ही नाम क्या आपका? नाम अहमद। हाय कर दो। आप भी हाथ ला दो जी। और साथ मौजूद है मेरे नफीस भाई। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया लास्ट ब्लॉग में कि हम लोग कर रहे हैं प्रमोशन, जेलम वैली टूरिज्म फेस्टिवल होने जा रहा है 12 जुलाई से, तो उसी की प्रमोशंस के चक्कर में हम लोग इधर उधर घूम फिर रहे हैं, और जितनी भी अनएक्सप्लोर्ड वैलीज़ और जगह हैं उन्हें हम एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आज का हमारा प्लान बना है चिकोटी, और चिकोटी इट्स सेल्फ एडवेंचर, और उसमें एडवेंचर के लिए क्या है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ इंडिया, और ये एक खुद इट्स सेल्फ एडवेंचर है। तो वहाँ पर जाएंगे और उसकी ओवरऑल कवरेज वगैरह भी होगी, आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसा माहौल है बॉर्डर एरिए का, कितनी सख्ती है और क्या कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन लोगों को और हमारे लोगों को। तो जो भी रहेगा वो भी बताएंगे। और इसके अलावा आप लोग घूमने फिरने के लिए कौन कौन सी जगह पर आ सकते हैं, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर होगी। हटियाबाला से सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर की राइड है चिकोटी, और अभी हम लोग सफ़र पर निकल पड़े हैं, और आगे चल के आप लोगों को सारी डिटेल्स मैं बताता हूँ। वाले डब्बे वाले ले कितने के लिए था? 590। सुना बड़े महंगे लेस खाती हो आप। कौन से लेस थे वो? 590 के। 590 रुपए के लेस। ये मत ये बड़ी मस्त चॉकलेट है, खा के तो देख। क्या मजा है इसका, बहुत मजा है। सो गाइज, अभी हम लोग मौजूद हैं खलाना में। चिकोटी का प्लान हमारा कैंसिल हो गया था, क्योंकि जब हम लोग चेक पोस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि आजकल मना है वहां पे जाना, LOC पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाना थोड़ा इशू होता है, क्योंकि आपको पता है सेंसिटिव एरियाज़ हैं। तो इस वजह से हमारा प्लान वहाँ से कैंसिल हो गया। हम लोग आ चुके हैं चिकोटी से, आधे घंटे की ड्राइव है। खलाना इस जगह का नेम है, और हमें कुछ शॉर्ट्स चाहिए अपनी वीडियोस के लिए, वही लेने आए। और आप लोग पीछे देख सकती हो कितने प्यारे सरसब्ज़ शादाब खेत हैं, और ये मकई वगैरह आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आप लोग आ सकती हो, और मेरे सामने बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर एरिया है ये भी, क्योंकि नीचे LOC है तो सामने इंडिया है, और मैं इशारे वगैरह भी नहीं कर सकता यहाँ पे। टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है ये भी, आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय भी कर सकते हो, फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हो, अपने प्यारों के साथ भी आ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगलात हैं, उनके नीचे बैठ के गपशप भी कर सकते हो, फोटोग्राफी भी कर सकते हो, और प्यार भरी बातें तो हो ही जाएंगी आप लोगों की। बहरहाल ये एरिया काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, इसे मैं कैप्चर उस तरह नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज़ हैं, आर्मी के एरियाज़ हैं, और इनकी मैं वीडियो वगैरह तो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन जो एरियाज़ कैप्चर करने के काबिल हैं, जिनकी मैं इजीली बना सकता हूँ फुटेज, वो मैं बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ।
चुके हैं और अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो जो स्कूल वाटरफॉल जो कि काफ़ी मतलब मैं कवर कर चुका हूँ और अभी यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो पीछे आदर साहब के बच्चे ये आपको नज़र आ रहे हैं मस्तियाँ करते हुए, तो इन्हीं के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुके, ये थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होंगे और अपना जो इन्होंने स्विमिंग वगैरह करनी है वो करेंगे। और मेरे साथ अभी ये भी मौजूद है, आपका नाम? शिराज अवान। ये मुझे मिले थे लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में, ये फोटोग्राफी करते हैं, आप लोग देख सकते हो इनके हाथ में कैमरा वगैरह पकड़ा हुआ है और आजकल यहीं पे होते हैं। तो आप लोगों ने अगर फोटोग्राफी यहाँ पर आके करवानी हो तो बहुत ही कमाल की फोटोग्राफी करते हैं ये, और काफ़ी यहाँ का अच्छा माहौल है, आप लोगों को भरपूर इंटरटेन किया जाएगा। तो विज़िट करो अभी से वेबसाइट पे, जो AJK टूरिज़म की जेलम वैली टूरिज़म फेस्टिवल जो होने जा रहा है उसकी वेबसाइट पे विज़िट करें, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी आप लोग अपनी करवाएं, फ्री में रजिस्ट्रेशन है। और जल्द से जल्द जितने लोग भी हो सकते हो दड़ा हो यहाँ पर, हम लोग आप लोगों का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और खड़े भी हैं, तमाम आप लोग देख सकते हो। सो गाइज़ अभी हम लोग मौजूद हैं चिनारी रेस्ट हाउस पे, यहाँ पे भी कुछ मीटिंग्स वगैरह होनी थी वो हम लोगों ने की हैं और यहाँ से अभी निकल के जाना है, बस अभी फाइनल हो चुका है जो भी होना था, तो अभी चलना है घर। गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैं मगरब के टाइम पे आ गया था और मैं सो गया था। सो आज की रूटीन में आप लोगों ने देखा हम लोग खिलाना वाली साइड पे गए। सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।